सरकारी डीजल बस नहीं चलेगी, डीजल बसों को हटा करके अब सीएनजी बसों की शुरुआत हो रही है। 50 सीएनजी बसें पटना में विभिन्न रूट्स पर चलेंगी। नमस्कार बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। तो आज से परिवहन विभाग की तरफ से 50 सीएनजी बसें और 350 एम्बुलेंस का परिचालन शुरू किया जाएगा। तो ऐसे में हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया कि किस तरीके से जो ये जो सीएनजी बसें हैं कितनी सुरक्षा से लैस है और कितनी सुविधाएं हैं इसमें, ये हमने आपको दिखाया। ऐसे में परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल क्या कुछ कह रहे हैं, ये जरा आप सुनिए। पटना में आज एक नया अध्याय हो रहा है सिटी बसेस के लिए, जिसमें डीजल बसों को हटा करके अब सीएनजी बसों की शुरुआत हो रही है। 50 सीएनजी बसें पटना में विभिन्न रूट्स पर चलेंगी और नेहरू पथ, जिसे बेली रोड के नाम से भी जानते हैं, उस पर कंप्लीट अब कोई डीजल बस, सरकारी डीजल बस नहीं चलेगी, उसमें इलेक्ट्रिक बस और सीएनजी बस ही चलेगी। तो धीरे धीरे पूरे पटना में जितने भी सरकारी डीजल बसें हैं उनको कन्वर्ट करके हम लोग सीएनजी या इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करेंगे। इससे पोल्यूशन में काफ़ी कमी आएगी और ये सभी बसेस काफ़ी नई हैं, लोगों को काफ़ी सहूलियत है इसमें। सीसीटीवी कैमरा है, जीपीएस है, पैनिक बटन है, महिलाओं के लिए 65% सीटें आरक्षित हैं। तो इन सब सुविधाओं के कारण अब 50,000 से अधिक यात्री प्रतिदिन सिटी बसेस में सफ़र करते हैं। हम लोग का लक्ष्य है कि उन्हें और बेहतर सुविधाएं हम लोग दें ताकि लोगों को आवागमन में समस्या नहीं। सर, ड्राइवर के ड्राइविंग पे बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं जब इस तरीके के बस पहली बार शहर में चलते हैं, तो इनके ड्राइवर के ट्रेनिंग को लेकर बिल्कुल देखिए, हमारे प्रसाद प्रशासक भी हैं, हम लोगों ने पिछले 5 दिनों से इनकी स्पेशल ट्रेनिंग करवाई है। और जो लोग पहले से बसेस चला रहे हैं उनके लिए बहुत डिफरेंस नहीं होता है ड्राइविंग में, क्योंकि इंजन का अंतर है, बाकी ड्राइविंग में लगभग सेटअप वही रहता है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने इनका ओरिएंटेशन करवाया, इनकी ट्रेनिंग करवाई। रिफ्यूलिंग एक चैलेंज है क्योंकि सीएनजी स्टेशन कम है, लेकिन पिछले 1 साल में 8 नए सीएनजी स्टेशन खुले हैं, आने वाले टाइम में 2022 तक और 10 नए खुलेंगे। तो इससे धीरे धीरे सीएनजी स्टेशन की संख्या में वृद्धि होगी और पटना से बाहर गया, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, नालंदा जैसे ज़िलों में भी सीएनजी स्टेशन लगने वाले हैं। 31 मार्च तक उनके भी लगने की उम्मीद है, तो उसके बाद वहाँ पर भी सीएनजी ऑटो, सीएनजी बसेस आने की संभावनाएं और बढ़ जाएंगी। और धीरे धीरे ये जो पॉल्यूशन फ्री फ्यूल है, ये आने वाले टाइम की बहुत बड़ी ज़रूरत है। पटना में जिस तरह से पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता जा रहा था, तो इस प्रकार के प्रयासों से प्रदूषण में निश्चित रूप से कमी आएगी। सर, आने वाले समय में सीएनजी बसों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये शुरुआत है 50 बसेस, हम लोग का लक्ष्य है कि पटना में जितनी सरकारी सिटी बसेस हैं उनको हम लोग सीएनजी में कन्वर्ट करें, या तो इंजन से परिवर्तित हो सकता है, जैसे हम लोगों ने 20 बसों का इंजन बदला है, केवल बसें पुरानी हैं लेकिन इंजन सीएनजी वाला है। तो या तो हम लोग इंजन कन्वर्ट करेंगे या बसों को ही पूरा बदलेंगे। एम्बुलेंस भी आज 350 एम्बुलेंस की शुरुआत की जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। हमारा लक्ष्य 1,000 एम्बुलेंस का है। पिछले 2 महीने पहले जब कोविड की दूसरी लहर चल रही थी तब एम्बुलेंस की काफ़ी कमी देखी गई, सभी स्रोतों से ये जानकारी मिली कि निजी सेक्टर में एम्बुलेंस काफ़ी कम है, जिसके कारण लोगों को परेशानियाँ काफ़ी बढ़ जाती है। सरकार अपने स्तर से तो काफ़ी एम्बुलेंस लाई गई, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी एम्बुलेंस आने से लोगों की उपलब्धता में काफ़ी वृद्धि होगी। रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें हॉस्पिटल जाने में विलम्ब होने के कारण कई बार लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो गोल्डन आवर में रिस्पॉन्स करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन एम्बुलेंस के माध्यम से राज्य के प्रत्येक प्रखंड में 2-2 एम्बुलेंस दी जा रही है। 2 लाख रुपये की सब्सिडी सरकार दे रही है इसमें, ताकि जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, वो अपने रोजगार के लिए इसमें पैसे से बचत भी कर सकें। और अगर कोई रोड एक्सीडेंट विक्टिम को कोई भी एम्बुलेंस वाला अगर अस्पताल लेकर के जाता है, उसको हम भाड़ा अपनी तरफ से मुफ्त देंगे, मतलब उसको प्रतिपूर्ति की जाएगी उसके जो भी भाड़ा। इसलिए यदि एम्बुलेंस चालक को कहीं से भी सूचना मिलती है कि कहीं रोड एक्सीडेंट हुआ है, वो अपनी गाड़ी से लेकर के जाएगा, उसको सरकार के द्वारा भाड़ा दिया जाएगा। तो ये भी एक नई सुविधा, परिवहन विभाग जो रोड सेफ्टी को भी देखता है, इसलिए ये व्यवस्था रोड सेफ्टी फंड से की गई है। और अभी 350 है, 650 दिसंबर से पहले सड़कों पर आ जाएगी और 1,000 एम्बुलेंस इस साल के अंत तक राज्य के कोने कोने तक पहुंच जाएगी। तो सुना आपने किस तरीके से परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि अभी 50 बसों का परिचालन शुरू किया जा रहा है और जल्द ही पटना में और भी सीएनजी बसों को दौड़ाया जाएगा, ताकि जो पटना है वो पॉल्यूशन फ्री बने। इस तरह के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बिहार इन शॉर्ट्स के साथ बने रहें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।